पास की कीमतों में तेजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। दरअसल प्रतिकूल मौसम की स्थिति और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कीटों के हमले के कारण फसल खतरे में है। मिली जानकारी के मुताबिक 2022-23 सीजन के लिए भारत का कपास उत्पादन 375 लाख गांठ को छूने की संभावना है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब अक्टूबर के दौरान अगर कोई जलवायु में परिवर्तन होता है तो वो फसल को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। कपास का रकबा 2 सितंबर तक 126 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 117 लाख हेक्टेयर से 8 से 9% अधिक है। वही कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गन्नात्रक ने कहा है कि भारत में कपास की फसल की स्थिति काफी अच्छी है और अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो हम 350 लाख गांठ में 25 पॉइंट प्लस या माइनस गांठ की उम्मीद कर सकते हैं। यदि अक्टूबर के दौरान बारिश नहीं हुई तो फसल का आकार 375 लाख गांठ पूर सकता है और यदि अक्टूबर के दौरान बारिश होती है तो ये क्वालिटी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यानी USDA ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए अपने वैश्विक उत्पादन पूर्वानुमान को 3.1 मिलियन गांठ से घटाकर 3 मिलियन गांठ तक कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति ने प्राकृतिक फाइबर फसल की स्थिति को खतरे में डाल दिया है और सप्लाई की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही के दिनों में भारी बारिश और कीटों के हमले से कपास की फसल प्रभावित होती दिखाई दे रही है। वहीं उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पिंक वॉलवर्म के प्रकोप से कपास की फसल भी प्रभावित हुई है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आगे चलकर कपास की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का दौर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।